मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत जी, श्री कृष्णपाल जी, श्री विजय सांपला जी, सचिव अनीता जी और उपस्थित सभी महानुभाव, ९९२ में एक सपना संजोया गया था अंबेडकर जी के प्रति आस्था रखने वाले सभी महामनुभावों ने सक्रिय होकर के एक विश्व स्तरीय केंद्र बने, उस दिशा में प्रयास किए थे। सरकार में फाइलें चलती रही, विचार विमर्श होता रहा, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान के कारण जो सरकारें बनी थी उन सरकारों को बाबा साहब को याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। इतने साल बीत गए, बीस साल से भी अधिक समय ये कागजों में मामला चलता रहा। जब मेरे जिम्मे काम आया तो पीड़ा तो हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन मैंने ये तय किया है भले 20 साल बर्बाद हुए हो लेकिन अब हम 20 महीने के भीतर भीतर इस काम को पूरा करेंगे। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। जिस पार्श्वभूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सिर्फ उन्हीं का भला किया ऐसा नहीं, और कभी कभी मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि बाबा साहब आम्बेडकर दलितों के देवता थे। जी नहीं, वो मानव जात के लिए थे, और नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व भर के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उन सब के लिए वे आशा की किरण थे। और हमने भी गलती से भी बाबा साहब को छोटे दायरे में सिमट करके उनको अपमानित करने का पाप नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मानवीय थे। अब कल्पना कीजिए वो समय, और जीवन भर हम देखे बाबा साहब को,
वो सामाजिक अनटचेबिलिटी के तो शिकार थे ही थे, लेकिन मरने के बाद भी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के शिकार बने रहे। देश को न सामाजिक अनटचेबिलिटी चाहिए, देश को न राजनीतिक अनटचेबिलिटी चाहिए। और इसलिए बाबा साहब का जीवन और उन्होंने संदेश भी क्या दिया, आज 21वीं सदी में भी हर सरकार के लिए वही काम मुख्य है जो बाबा साहब कह के गए। उन्होंने क्या संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, आज भी भारत की सभी सरकारें उनके सामने ये प्रमुख काम है कि हम 100% लिटरेसी की ओर कैसे आगे बढ़े, उस लक्ष्य को कैसे पार करें। हम बाबा साहब आंबेडकर के 125 मनाने जा रहे हैं, तब बाबा साहब ने हमें जो मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान को अगर हम शिक्षित बनाते हैं तो बाबा साहब को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी, 125 साल मनाने का वो उत्तम से उत्तम तरीका होगा। क्योंकि ये वही लोग हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित रह गए, जिनके लिए बाबा साहब जीते थे, जीवन भर जूझते थे। और इसलिए हमारे लिए एक सहज कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य का पालन, भारत को ऐसा संविधान मिला है जिस संविधान में द्वेष और कटुता को कहीं जगह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, दलित मां की कोख से पैदा हुआ एक बालक जिसने जीवन भर जाति के नाम पर कदम कदम अपमान सहा हो, सम्मान से जीने के लिए कोई व्यवस्था न हो, ऐसे व्यक्ति के दिल में कितनी कटुता, कितना रोष, कितनी बदले का भाव हो सकता था। लेकिन बाबा साहब के भीतर वो परमात्मा का रूप था जिसने संविधान की एक धारा में भी खुद के जीवन पर जो बीती थी वो यातनाएं कटुता में परिवर्तित नहीं होने दी। बदले का भाव संविधान के किसी भी कोने में नहीं पैदा होने दिया। इतिहास कभी तो मूल्यांकन करेगा कि जीवन की वो कौन सी ऊंचाइयां होगी इस महापुरुष में कि जिसके पास इतना बड़ा दायित्व था, वो चाहते उन स्थितियों में ऐसी बात करवा सकते थे लेकिन नहीं करवाई। मूल में कटुता, द्वेष, बदले का भाव न उनके दिल में कभी पनपने दिया, न आने वाली पीढ़ियों में पनपे, इसके लिए कोई जगह उन्होंने छोड़ी। मैं समझता हूं हम संविधान की बात करते हैं लेकिन उन पहलुओं की ओर कभी देखते नहीं है, उस सामाजिक अवस्था की ओर देखते नहीं है। मुझे खुशी है मैं उस प्रदेश में पैदा हुआ
जहां सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब आंबेडकर का गौरव किया था, उनको सम्मानित किया था, उनके जीवन को गर्व भर स्वीकार किया था। और बाबा साहब आंबेडकर ने हमेशा न्यायप्रियता को प्राथमिकता दी। आज हम सब, जैसे मैं कहता हूं ना, संविधान जो मेरे जैसे व्यक्ति को भी कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की रचना बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उस समय उनको निष्पक्ष चुनाव का महात्म्य क्या होता है, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की ताकत क्या होती है, उस बात के बीज बोए उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की रचना करके। ये बाबा साहब की सोच थी। और आज हम सब एक ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि हिंदुस्तान के सभी दल कितना ही विरोध क्यों ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। बाबा साहब ने ये व्यवस्था में दी, उनकी न्यायप्रियता देखिए। दुनिया के समृद्ध कहे जाने वाले देश, मोस्ट फॉरवर्ड कहे जाने वाले देश, उन देशों में भी महिलाओं को मत का अधिकार पाने के लिए 50-50, 60-60 तक लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, आंदोलन करने पड़े थे। महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। पढ़े लिखे देश थे, प्रगतिशील देश थे, धनवान देश थे, लोकतंत्र की दुहाई देने का जैसे उनका मोनोपोली था, लेकिन एक दलित मां की कोख से पैदा हुआ बेटा संविधान के पहले ही दिन हिंदुस्तान के अंदर माताओं बहनों को वोट का अधिकार दे देता है। ये न्यायप्रियता थी उनकी। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा आगे चलकर के कैसे चलेगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी, मैं नहीं मानता हूं सामान्य मानवी 50-60 साल के बाद क्या होगा वो देख पाता है, मैं नहीं मानता हूं। आज हम देखते हैं हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए कितनी कितनी बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और फिर भी कहीं न कहीं तो कोई गलती रह जाती होगी। ये बाबा साहब आंबेडकर थे जिनको इस बात की समझ थी कि उन्होंने संविधान की रचना के साथ एक स्वतंत्र फाइनेंस कमीशन की कल्पना रखी, जो फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों और संतुलन और धन के वितरण की व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से गाइड करता है, और आज भी वो व्यवस्था पर सब भरोसा करते हैं और चलते हैं। इस बार राज्यों को 42% तक राशि मिली है, हिंदुस्तान के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है ये। यानी एक प्रकार से राज्यों ने कल्पना नहीं की हो उतने धन के भंडार इस बार मिल गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की टोटल जो तिजोरी माने राज्य और केंद्र की मिलकर के, तो करीब करीब 60% से ज्यादा, 65% से भी ज्यादा अमाउंट आज राज्यों के पास है। भारत के पास मात्र 35% अमाउंट है। यह ताकत राज्यों को कैसे मिली है? इस सरकार के समय निर्णय हुआ एक बात है, लेकिन मूल बाबा साहब आंबेडकर की उस सोच में पड़ा हुआ है, तब जाकर के हुआ है। और इसलिए समाज के अंदर जब हम इन चीजों की ओर देखते हैं तो लगता है कि भाई क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के कामों को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, इस महापुरुष के विचारों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए।
क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों ने इस महापुरुष के आदर्शों से कुछ पाकर के जीने का संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये हमें करना है तो जो आज हम व्यवस्था को जन्म देने जा रहे हैं, जो 20 महीने के भीतर भीतर गतिविधि उसकी शुरू कर दे, मेरी अपेक्षा है, ये आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने का काम है। और ये कोई सरकार उपकार नहीं कर रही है, मोदी सरकार भी उपकार नहीं कर रही है। एक प्रकार से समाज ने अपना कर्ज चुकाना है, ये कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब के माध्यम से जितनी भी चीजें हमारे सामने आई हैं, हम कभी कभी देखें, बाबा साहब विमेन एम्पावरमेंट, इसको कितना बारीकी से देखा है। आज भी विवाद होते रहते हैं, उस समय बाबा साहब की हिम्मत देखिए, उन्होंने जिन कानूनों को लाने का में सफलता पाई, जो हिंदुस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत रखती है, ये बाबा साहब का प्रयास था कि जिसके कारण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना, ये बाबा साहब का पुरुषार्थ था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बना, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 बना। ये सारे कानून समाज के उन लोगों को ताकत देते थे, विशेष करके महिलाओं को, ये बाबा साहब की विशेषता थी। आज भी मैं जब लोगों से बड़े बड़े भाषण सुनता हूं तो मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि काश इस प्रकार के भाषण करने वालों ने कभी बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होता। खैर, वो तो उनको गले लगाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके जाने के बाद पढ़ने के लिए कहां से तैयार होंगे? कोई कल्पना कर सकता है कि दुनिया में लेबर रिफॉर्म की बात कहे तो कम्युनिस्ट विचारधारा की चर्चा होती है, लेबर रिफॉर्म की चर्चा करे तो लेफ्टिस्ट विचारधारा के खाते में जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब ब्रिटिश सल्तनत थी, अंग्रेज वायसराय यहां बैठे थे और उस काउंसिल के अंदर 1942 में बाबा साहब अंबेडकर की ताकत देखिए, भारत के मजदूरों का अंग्रेज सल्तनत शोषण करती थी, एक्सप्लोइटेशन होता था, ये बाबा साहब की ताकत थी कि 1942 के पहले मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ता था, 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने वायसराय सामने लड़ाई लड़ करके 12 घंटे से 8 घंटे काम करवाने का पक्का कर लिया था। ये छोटे निर्णय नहीं है भाई। और इसलिए बाबा साहब को एक सीमा में बांध करके देखने से भारत की पूरी विकास यात्रा में बाबा साहब का कितना बड़ा रोल था, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है, क्योंकि मैं हर पल मानता हूं और अपने जीवन को देख करके मुझे हर पल लगता है कि इस महापुरुष ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। समाज के प्रति भी उनकी भूमिका क्या रही? समाज को जोड़ने की भूमिका रही, कभी समाज को तोड़ने की भूमिका नहीं रही। उनके सारे विचारों को हम देखें, उनके सामने धन के ढेर कर दिए गए थे, ये बनो, ये पाओ, ये करो, मैं उसकी चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं, इतिहास मौजूद है, लेकिन वो उससे विचलित नहीं हुए थे।
और इसलिए जिस प्रकार से समता का महत्वमय है उतना ही ममता का भी महत्वमय है। खास करके जो अपने आप को उच्च मानते हैं उन लोगों ने अपने आप को सोचना होगा कि समाज में भेदभाव लंबे अरसे तक चलने वाला नहीं है। इसे स्वीकार करना होगा और भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है उसमें सामाजिक एकता एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। बाबा साहब के 125 वर्ष बना रहे हैं तब सामाजिक एकता के बुगल को हम कैसे ताकतवर बनाएं, और इसलिए मैं कहता हूं समता प्लस ममता इज इक्वल टू समरसता, समभाव प्लस ममभाव इज इक्वल टू समरसता। और इसलिए अपनापन ये मेरे हैं, ये मेरे ही परिवार के अंग है, ये भाव हमें जी करके दिखाना होगा। और मुझे विश्वास है कि ये जो हम प्रयास शुरू कर रहे हैं उस प्रयास के माध्यम से समाज की धारणा बनाने में, समाज को सशक्त बनाने में, संविधान की लेटर एंड स्पिरिट उसको कोई चोट न पहुंचे उसकी जागृत भूमिका अदा करने के लिए एक प्रकार से चेतना केंद्र बनेगा, ये विश्व चेतना केंद्र बनने वाला है। उस सपने को लेकर के हमने देखना चाहिए। हम मार्टिन लूथर किंग की तो बात कर लेते हैं लेकिन बाबा साहब को भूल जाते हैं, और इसलिए अगर हम मार्टिन लूथर किंग की बात करती है दुनिया तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया जब मार्टिन लूथर किंग की चर्चा करे तो बाबा साहब आंबेडकर की भी करने के लिए मजबूर हो जाए। वो तब होगा जब हम बाबा साहब का सही रूप, उनके विचारों की सही बात, उनके काम की सही बात दुनिया के पास सही स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे। इस केंद्र का यह सबसे बड़ा काम रहेगा कि पूरा विश्व बाबा साहब को जाने समझे, भारत के मूलभूत तत्वों को जाने समझे, और ये बाबा साहब के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमने बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के, उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर के समाज को सशक्त बनाने की दिशा में, राष्ट्र को के लिए महान राष्ट्र बनाने के सपना पूरा करने के लिए हमारी जो भी जिम्मेवारी उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं विभाग के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि 20 साल से भी अधिक समय से लटकी हुई चीज एक प्रकार से पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का शिकार हुआ प्रोजेक्ट है उससे मुक्ति दिलाई है। अब आने वाले 20 महीनों में इसको पूरा करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उसका निर्माण इस स्तर का होना चाहिए ताकि आने वाली शताब्दियों तक वो हमें प्रेरणा देता रहे। ऐसा निर्माण होना चाहिए। मैं फिर एक बार बाबा साहब आंबेडकर को प्रणाम करता हूं और 125 वर्ष ये हमारे भीतर ताकत दें, हमें जोड़ने का सामर्थ्य दें,
सबको साथ लेकर के चलने का सामर्थ्य दे। समाज का आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान, वो हमारी सेवा के केंद्र बिंदु में रहे, ऐसे आशीर्वाद बाबा साहब को निरंतर मिलते रहे, ताकि उनके जो सपने अधूरे हैं वो पूरे करने में हम लोग भी कुछ काम आए। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार मैं विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।